हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो सेवन 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 सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके पर्सनल लाइफ में एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस गुड न्यूज़ सरप्राइजेस प्लेसिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है देखिए इसमें आपको ये पता चलेगा कि गुड न्यूज़ सरप्राइजेस तो मिलेंगे और क्या आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस होंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलकर ही रहेगी आपके में लिखी है ठीक है ये सारी तो बातें हैं लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है वो होता है कि चीज़ें मिल तो जाएंगी लेकिन वो कैसे मिलेगी ठीक है हमें किस राह पे चलना चाहिए कि हमें वो सारी चीज़ें मिल जाए जैसे कि आपको कहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो ठीक है आप डॉक्टर बन जाओगे लेकिन कैसे राह पर चलोगे ठीक है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा कितने सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी जगह में जाना है कोई इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो चुकी है और आपको जाना है लेकिन आपको एड्रेस नहीं पता है पास नहीं पता है तो आप कैसे चले जाओगे एक्जैक्टली exactly यहाँ पे वही आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से और आपको उस पर कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा तब मिलेगा क्योंकि आप सभी को ये बात पता होगा कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए या कोई भी चीज़ हमें मिलता है तो वो ऐसे नहीं मिलता है उसमें कुछ ना कुछ तो हाथ पैर हिलाना ही पड़ता है ठीक है बस यही बात है तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या आपको अभी के टाइम में करना चाहिए किन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे आप अपने लाइफ में आगे आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल होके और जो चीज़ें चाहते हो वो आपको मिल जाएगी ठीक है और हो सकता है कि कुछ यूनिवर्स आपके लिए डिफरेंट भी प्लान किया हो जो कि आपको अनएक्सपेक्टेडली मिले ठीक है जो आपने सोचा भी नहीं उसके बियॉन्ड जाकर मिले तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपका कोई करेंट सिचुएशन है परेशान हो ठीक है तो उससे कैसे डील करना है वो भी मैं आपको समझा दूँगी ठीक है तो आपकी रीडिंग जो है बहुत डिटेल में होगी गाइडेंस आपको फुल मिलेगा इसलिए चैनल पे पर हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आई के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो वो उससे अवेयर रहिए क्योंकि वो सारे लोग स्कैमर हैं आप मुझसे सिर्फ मेरी जी और इंस्टा आई के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इंस्टा आई डी का जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसे क्लिक करके आप मेरे जीवन इंस्ट आई डी पर पहुँच सकते हो और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो या फिर फॉलो भी कर सकते हो ठीक है ऑल राइट सो मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग आपकी टाइमलेस है जब आप देखोगे किसी भी ईयर में देखोगे वो उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे कर ही जाएगी फॉर एग्जाम्पल आप चार साल बाद देखो या तीन साल बाद देखो जब भी आपके सामने आ रही है इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है इसलिए पूरा रीडिंग देखिएगा आपको फुल गाइडेंस मिलेगा ओपन माइंडेड होकर देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजुलेट करेंगी कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी लेकिन हाँ गाइडेंस आपको बहुत मिलेगा चाहे आप मेल हो फीमेल हो एलजी कम्युनिटी हो चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो बच्चे हो या फिर बड़े हो या सीनियर सिटीजन हो किसी के लिए भी आप देख सकते हो अपने बच्चे के लिए देख सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए देख सकते हो खुद के लिए देख सकते हो रिलेटिव के लिए देख सकते हो शेयर भी कर सकते हो ठीक है ये चीज़ है सो so, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके ना सेलेक्ट कर पाओ ओके okay? तो चलिए देख लेते हैं यहां पे है सबसे पहले अगर आपका बर्थडे वन से फिफ्टीन के बीच में आता है तो पाइल वन आपकी रीडिंग होगी एंड अगर आपका बर्थडे सिक्सटीन से थर्टी के बीच में आता है तो पाइल टू आपकी रीडिंग होगी ओके okay? कार्ड भी है आपके लिए ये प्रिस्टस का कार्ड है दिस इज फॉर पाइल वन जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है एंड यहां पे आपका है ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज फॉर पाइल टू और राइट सो आपको इंटरट्यूवली सेलेक्ट करना है मतलब कि अपने भगवान ईश्वर जी जसअल्ला गुरु जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेके अपने कार्ड को अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए सो so, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे हेलो फाइल वन होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया होगा या फिर आप अपने इस ब्यूटिफुलिसटस कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेंबर बन जाइए ठीक है और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने जी और इंस्टा आई के थ्रू आप लोग किसी भी टॉपिक पर जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो सो प्लीज़ कॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स आप इनको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं

कोई भी अगर जर्नी होता है चाहे वो वर्स जर्नी हो या फिर बहुत तकलीफ़ में बीत रही हो ठीक है या फिर हल्का फुल्का भी तकलीफ हो तो वो हर एक चीज़ जो है ना एक ट्रेनिंग की तरह होता है क्या होता है वो एक ट्रेनिंग की तरह होता है जो कि हमें चीज़ें सिखाता है हर एक चीज़ को अगर देखना चाहोगे आपका नजरिया चेंज हो जाए तो वो क्या होता है ना आपका लेसन होता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में जाते हो तो हर एक चीज़ें पढ़ते हो ठीक है कोई चैप्टर आपको अच्छा लगता है कोई चैप्टर नहीं अच्छा लगता है है ना ऐसा होता है तो एग्जैक्टली जो लाइफ होता है हमारा आपका है या फिर किसी का भी है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सबका ऐसे ही होता है ठीक है तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं फिलहाल के टाइम में शायद ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो अगर आप अकेले हो सिंगल भी हो सभी के लिए मैसेज है तो ये चीज़ कहा जा रहा है चाहे अभी आपका कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो ये आपके एक लाइफ की जर्नी है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया है और इस इंतज़ार का फल भी बहुत मीठा होगा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है जो मदर है स्टार मदर है वो आपकी हर एक एक्टिविटी को हर एक सेक्रीफाइस को वो नोटिस कर रही है ठीक है और एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं ठीक है ठीके? जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी बन के अड़ंगा बन के कह सकते हैं कि वो आपके सामने आ रहे हैं और वही जो है आपको आगे बढ़ने में हो सकता है रुकते भी हैं ठीक है थीके? आपके काम को पोस्टपोन करवा देते हैं ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है ठीक है तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों से तो आपको अपना कॉर्ट कट करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है ये चीज़ तो है और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको सबसे पहले है यहाँ पर बाउंड्रीज दिख हुई ये मैंने आपको अभी जस्ट बोला एंड बिल्कुल एक्जैक्टली वो मैसेज आ भी चुका है आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग आपको नोचने के लिए परेशान करने के लिए आपके समय को बर्बाद करने के लिए आपके समय को खाने के लिए आपकी तरफ देख रहे हो ना किस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं देख रहे हो कि आप यहाँ बीच में हो और चारों तरफ से बहुत सारे हाथ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं यहाँ पर ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि अभी के टाइम में कुछ लोग ही जो है आपको बहुत ज़्यादा पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कट द कॉट ठीक है पहले तो आपको नो कहना सीखना है पहले तो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखना है और ये भी आपको बताया जा रहा है कि लोग आपको एक बार बोल दें कि चलो अच्छा हम आज यहाँ जाएंगे और हमारा यहाँ पे पाँच छः घंटा बीतने वाला है ठीक है और आप चले जाते हो क्योंकि आप तो मासूम से हो अच्छे पर्सन हो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं चाहूँगी या मैं नहीं चाहूँगा तो उससे बुरा लग जाएगा ठीक है और अगर मैं पैसे नहीं खर्च करता हूँ तो उससे बुरा लग जाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं सोचना है अगर आप किसी के साथ जा रहे हो चाहे रेस्टोरेंट जा रहे हो या पार्टी करने जा रहे हो फिर कुछ भी तो उसका भी उतना ही हक बनता है जितना आप, आपका हक बन रहा है स्पेंड करने का मनी ठीक है ये चीज़ है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली ये कहना चाहते हैं कह सकते हैं कि वो आपको वार्निंग देना चाहते हैं कि आपको अब बस स्टॉप करना चाहिए इन सारे लोगों को और आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए ठीक है ये बाउंड्रीज क्या है सिंपली ये बाउंड्रीज ऐसा है कि ये आपके इनर पीस तक ना पहुँच पाए ठीक है आपका जो पीस ऑफ माइंड होता है ना उसको चोट ना पहुंचा सके उतना बाउंड्रीज आप क्रिएट कर लीजिए ठीक है और एक बात ये भी हो सकती है कि शायद आप किसी से बहुत ही ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन लगाते हो इसके वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचता है और ना इमोशनली चोट पहुंचता है मेंटली आपके ऊपर चोट पहुंचता है ऐसा नहीं है कि फिजिकली चोट पहुंचता है फिज़िकली जो चोट पहुंचता है ना उसमें नॉर्मल सी दर्द होती है ठीक है इसमें कोई फीलिंग नहीं होता है वो नॉर्मली ठीक हो जाता है मरहम पट्टी करते हो आप फर्स्ट एड करते हो वो ठीक हो जाता है लेकिन ये जो इमोशनली चोट लगता है ना ये काफ़ी दिनों तक रहता है ठीक है और यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने मासूमियत को ठीक है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए और अभी के टाइम में थोड़ा सा स्ट्रांग आपको बनना चाहिए ठीक है आपको स्टैब्लिश करना चाहिए बाउंड्रीज़ ताकि आपके लाइफ में वो आपके पीस को ना अफेक्ट करें ठीक है ये चीज़ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन आपका बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है इतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से भी क्योंकि आप देख रहे हो आजकल का ऐसा टाइम है कि लोग कब किसको धोखा दे दे है ना तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से ट्रू लव मिलता है आप सभी को पता होगा तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अवेयर रहिए अपने लाइफ में चाहे आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हो चाहे आप किसी से ऑफलाइन मिल रहे हो ठीक है अवेयर आप सभी को उतना ही रहना होता है तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया आप किसी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो तो अभी ऐसा मत कीजिएगा ये आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन है ठीक है आप लोगों की सेवा कीजिए लोगों की हेल्प कीजिए या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो अगर किसी को आप मदद भी कर रहे हो पैसे भी दे रहे हो तो आप ये सोचिए ना कि मैं इसे हेल्प कर रहा हूँ मुझे वापस नहीं चाहिए मैं इसलिए हेल्प कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ क्योंकि एज अ चैरिटी में हेल्प कर दे रहा हूँ या फिर अपने शौक से अपने पसंद से इसकी हेल्प कर रही हूँ इसका हेल्प कर रहा हूँ ठीक है तो वो हेल्प जो आप कर रहे हो उसका हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही लीजिए अगर आप ऐसा सोच के करोगे कि आज मैं इतना कर रही हूँ तो कल मुझे उतना मिलेगा अगर ऐसा करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा ठीक है क्योंकि हो सकता है आप लोगों के ऐसे लाइफ में मतलब पर्सन है ना जिसकी मदद मतलब आप कर रहे हो और वो शायद बदले में आपको कुछ दे भी ना इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हाई एक्सपेक्टेशन ही आगे आने वाले टाइम में आपको दुखी कर सकता है या फिर ऐसा हो चुका है ठीक है तो प्यार में भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए ठीक है ठीके? अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसे हंड्रेड परसेंट टाइम दे रही हूँ तो ये भी मुझे हंड्रेड परसेंट ही टाइम देगा या देगी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करीग करिएगा तो ऐसा नहीं है ठीक है सभी का लाइफ का जो शेड्यूल है वो अलग होता है डिफरेंट होता है ठीक है हो सकता है कि आप रात में काम करते हो तो हो सकता है कि वो दिन में काम करते होंगे तो अब सोच के देखिए कि बहुत मुश्किल होगा ना बात करने में टाइम देने में हो सकता है उनका नाइट का मतलब शेड्यूल होता है पढ़ाई करने का या फिर कुछ भी काम करने का या फिर हो सकता है नाइट शिफ्ट होता हो और हो सकता है नाइट में जो है आपको उन्हीं से बात करना होता हो उस समय फ्री रहते हो तो वो कैसे कर पाएंगे तो कभी कभी किसी किसी चीज़ में ना आपको मैनेज करना होता है और जो एक्सपेक्टेशन होता है उसको लिमिट में रखना होता है ठीक है कभी कभी दूसरे के प्रॉब्लम को भी समझना होता है तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप मिस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इसमें समझदारी लाइए सब कुछ अच्छा होगा वैसे आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इनर पीस पे ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका इनर पीस अभी अच्छा है तो वो आगे आने वाले टाइम में डगमगा सकता है ठीक है कॉन्फिडेंस भी आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है ये भी ऐसा हो सकता है ठीक है कॉन्फिडेंस कैसे डगमगाएगा क्योंकि आप सोचोगे जिस पे मैंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया ना वो लोग ही आपको धोखा दे रहे हैं तो ऑफकोर्स खराब तो लगेगा तो इस सारी चीज़ों से पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ गाइडेंस मिल रहा है आप अवेयर रहिए और मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आप अपने इनर टेम्पल पर ध्यान दोगे मतलब अंदर की दुनिया में ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा इनर पोर्टल इनर टेम्पल ये सारी चीज़ें क्या हुई ठीक है मतलब आपका हार्ट अवेकनिंग हुआ आपका क्राउन चक्र जो होता है उसकी अवेकनिंग हुई तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और आप सोचोगे कि हार्ट चक्र कैसे अवेक होगा तो उसके लिए एक पार्टनर चाहिए नहीं अगर आपको अपना हार्ट अवेक करना है ठीक है और हार्ट अवेकनिंग तो पहले आप अपने अकेले साथ ही कर सकते हो ठीक है और अगर आपको हार्ट अवेकनिंग और हाई लेवल पे करना है तो बिल्कुल अपने भगवान के साथ कनेक्ट हुई जिसे भी आप मानते हो ठीक है यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाइए जितना हो सके उतना डिवोशन के साथ अपने प्यार दिखाइए यूनिवर्स को ठीक है आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी हार्ट अवेकनिंग भी होगी और देखिएगा आपको बहुत अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे ठीक है देखिए यूनिवर्स जो है ना वो टेस्ट लेता है यूनिवर्स ऐसा सोचता है कि देखते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है ये मुझ में कितना बिलीव रखता है ये जितना मुझ में बिलीव करेगा उतना ही ज़्यादा मैं दूंगा उतना ही ज़्यादा मैं दूंगी ठीक है ये चीज़ है यूनिवर्स का और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं प्लीज़ कॉड गिव मी एक्ूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स अवेकनिंग अभी अवेकनिंग की बात हो भी रही थी एंड अवेकनिंग का कार्ड भी आ चुका है आप देख सकते हो तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं बड़े लेवल पे आपकी अवेकनिंग होने वाली है आपके लाइफ में न्यू चैप्टर ओपनिंग हो रही है न्यू चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी बहुत सारे अभी कार्ड्स हैं आराम से मैं आपको बताऊँगी ठीक है तो यहाँ पे एनर्जेटिक हो रहे हो आप अगर आपके अंदर प्रोकैसनेशन वाली एनर्जी है हर एक चीज़ों को आप टालते रहते हो या फिर काम करना भी चाहते हो अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है मतलब एक इंसान किस तरीके से परफेक्ट होता है कि वो अच्छा बिजनेस कर सके अच्छी पढ़ाई कर सके वो सारे कॉन्फिडेंस सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं ठीक है थीके? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहली बात जो आपके लाइफ में बुरे लोग हैं उन सारे लोगों से कॉट कट कीजिए कट द कॉट, ठीक है उसके साथ साथ सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल जितना हो सके पॉजिटिव पीपल्स के साथ आपको जो है पीपल के साथ रहना है उनके साथ घूलना मिलना है बातें करनी है अब आप सोचोगे कहाँ से पॉजिटिव पीपल मिलेंगे पॉजिटिव सोचिए पॉजिटिव ही पीपल मिलेंगे ठीक है ये चीज़ है और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है प्रैक्टिस अ पॉजिटिव माइंड सेट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब सिचुएशन नेगेटिव सीनारियों हो जाता है ना तब तो आप बहुत ही ज़्यादा खुद भी निगेटिव हो जाते हो आपका सीनारियो निगेटिव है आप निगेटिव नहीं हो उस समय तो आपका टेस्ट होता है ना तो उस समय भी आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए ठीक है क्रिएट अ कॉन्फिडेंस फाइल और राइट ये भी आपके लाइफ का एक रूल हो सकता है और हमेशा जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिया करें तो उसे ना कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए ठीक है अगर कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो डेफिनेटली लीजिए अगर हो सकता है कि आपको ना लोग बोलते होंगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो तुम बहुत स्मार्ट हो हैंडसम हो तुम इस काम को बहुत अच्छे से करते हो और उस समय अगर आप कह दोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो इस तरीके से ये पता चलता है ना कहीं ना कहीं आपको खुद भी अपने टैलेंट के ऊपर शक है है ना और ये चीज़ नहीं करना चाहिए अगर ये चीज़ करते हो तो सामने वाले को भी आपके ऊपर शक हो जाएगा कि कहीं मैं झूठी बेकार की तारीफ तो नहीं कर रहा शायद ये खुद बोल रहा है अपने बारे में तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर नहीं हो टैलेंट मैं बेकार का ही तारीफ़ कर रहा था मैं बेकार का ही तारीफ कर रही थी ऐसा हो सकता है इसलिए ना अपने जो भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं डिजर्विंग हूँ मैं इस कॉम्प्लीमेंट के लिए ठीक है ये चीज़ है देखिए यहाँ पे यह चीज़ कहा जा रहा है ना कि जितना हो सके अपने लाइफ में ऑथेंटिक रहिए जैसे हो आप बिल्कुल वैसे ही रहिए कुछ भी बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कभी ना कभी कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से या कुछ चीज़ें नहीं होने की वजह से वो एक पर्दा एक शोला कह सकते हैं वो डालना पड़ता है ठीक है दिखाना पड़ता है आपको कि मैं बिल्कुल इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंट हूँ बहुत कुछ है मेरे लाइफ में बहुत रिच हुई ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है लेकिन नहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रहना है ठीक है कैसे आपको ऑथेंटिक बनना है इस पर वर्क करना चाहिए ठीक है और यहाँ पर सेल्फ डाउट प्लीज़ मत कीजिए और अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट भी है तो उस पर डिस्कस कीजिए ठीक है आपके अंदर जो कमजोरी है ना सबसे पहले उसको ही निकालिए उस पर ही वर्क कीजिए आपके जो फियर है उस पर ही वर्क करने की ज़रूरत है ये कहना चाहते हैं ठीक है थीके? और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे है दिस वन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा मतलब कि कह सकते हैं कि आप, आपको जो है अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ सकता है ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में खुद आप जिम वगैरह ज्वाइन करने वाले हो मतलब अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेकिन हो रहे हो ठीक है आपके अंदर ये क्षमता आ रही है कि हाँ समझ में आ रहा है आपको अब कि हाँ मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में या फिर अभी के टाइम में अगर थोड़े से बीमार हो तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे अब बाहर का कम खाना चाहिए था या फिर ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा एडिक्शन लगा लिया मुझे ये सब छोड़ना है और मुझे एक नई लाइफ शुरू करनी है ठीक है तो आपको खुद ही जो है ना बहुत कुछ समझ में आने वाला है और आप अपने लाइफ को एक नई तरीके से नए सिरे से, से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो उसके बाद सिस्टरवुड ऑफ द रोज बिल्कुल एक रोज़ की तरह आपका लाइफ होगा और ख़ुद आप एक रोज़ की तरह पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी लुक्स भी मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आप डिवोशन में आते जाओगे जितना आप भगवान यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते चले जाओगे भगवान ईश्वर जी जैसे लवाई गुरु जिससे आप मानते हो उतना ही ज़्यादा आपकी ब्यूटी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों ही निखरते चली जाएगी ठीक है ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है ये कि आपके अंदर जो साइकिक पावर है आपका जो इंटुएशन है मिस्टिक पावर है वो भी इंक्रीज हो रहा है आप कहीं ना कहीं खुद के टीचर बनते हुए दिखाई दे रहे हो ठीक है खुद को गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो उसके साथ साथ है डांस विथ लाइफ डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी जो आपकी अभी की एनर्जी है वो क्लियरली ऐसी दिखाई दे रही है कि एनर्जी आपकी अलाइन नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में आप बिल्कुल अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि शायद आप कॉलेज के टाइम में रहे होे स्कूल के टाइम में रहे होगे उस टाइम आपका कुछ ना कुछ हॉबी रहा होगा ज़रूर कुछ लोगों को डांस पसंद होगा कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद होगा कुछ लोगों को हो सकता है बैडमिंटन खेलना पसंद हो कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है क्रिकेट खेलना पसंद हो तो आप सोच रहे हो कि अभी तो मेरी एज हो गई है बहुत या फिर कुछ भी आपका एज है या फिर ऐसा सोचते हो अभी तो मैं बिज़ी रहती हूँ मैं कैसे कर सकती हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ लेकिन यही तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने एनर्जी को चेंज करना चाहते हो तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होगी आपको वो करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है जो आपका हॉबी है ठीक है थोड़ा सा अपना समय कम से कम वन वीक के लिए भी ना आप अपने हॉबी पे दीजिए देखिएगा आपका पूरा एनर्जी चेंज होने वाला है जैसे कि अगर आपको पेंटिंग भी पसंद है तो एक ड्राइंग बुक आप ले आइए उसमें अपना ड्राइंग वगैरह करना शुरू कीजिए स्केचिंग पसंद है पेंटिंग पसंद है कुछ भी कीजिए ठीक है पेंटिंग अगर बनाते हो तो ज़रूर मुझे भेजिएगा इंस्टा पर मैं देखना चाहती हूँ आपकी पेंटिंग वगैरह खैर यहाँ पर बात यहाँ पर ये हो रही है कि यस ये कहा जा रहा है कि अगर आप जितना मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपकी एनर्जी चेंज होगी और आपको खुल के जीने को कहा जा रहा है ठीक है तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे ठीक है देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या और कहना चाहते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स क्या है इनके लाइफ में आ रहा प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज ओके दिस वन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अभी हो सकता है कि जो आपका डिफिकल्ट टाइम चल रहा है वो ख़त्म होगा ठीक है डेफ़िनेटली ख़त्म होगा लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो भी डिफिकल्ट टाइम अगर शुरू भी होते हैं ना तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे ठीक है काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे और वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे उसके साथ साथ है दिस वन वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर ऐसा हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया नहीं क्लियर हुआ फिर से दिया है हो सकता है कि इस बार बहुत पॉजिटिव मैसेज आने वाला है ठीक है तो किसी चीज़ के इंतज़ार में दिखाई दे रहे हो और कोई ऐसा मैसेज आपको मिलने वाला है वो गुड न्यूज़ हो सकता है ठीक है या फिर सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप किसी न्यूज़ के किसी रिजल्ट के इंतज़ार में हो ठीक है किसी भी पार्सल के इंतज़ार में हो तो वो काफ़ी जल्दी आपके पास आने वाला है ठीक है उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर तो यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एंड गुड न्यूज़ मिलने वाला है सक्सेस का ठीक है ये चीज़ है और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको देखिए यहाँ पे रोज का कार्ड है तो रोज कार्ड आपको ये रोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान का नाम लीजिए ठीक है अब साई बाबा को मानते हो या फिर आप किसी को भी मानते हो एक रोज़ ज़रूर लीजिए थर्सडे को और जाके जिन्हें भी मानते हो ना उनके नाम का चढ़ाइए ज़रूर ठीक है जरूर, ये चीज़ आपके लिए एक रेमेडी है वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिक साइकिल तो ज़रूर शुरू होने वाला है लव लाइफ में ठीक है एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं देखिए वो तो डिटेल बात है कि वो पर्सन कैसे होंगे क्या होंगे वो अलग बात है लेकिन हाँ जो आने वाले हैं वो बहुत रोमांटिक होंगे और आपका उस पर्सन के साथ बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन चलेगा ऐसा दिख रहा है और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है प्लीज कॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स ओके ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम मुझे पता है कि जो अभी आपके ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं वो ओवरकम करोगे आप देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ लोग ऐसा होंगे जो कि बहुत हार्डवर्क करते होंगे और कभी आपको टाइम मिलता होगा जैसे वीकेंड वगैरह पे तो आप सोचते होंगे कि मुझे इस वीकेंड में ही जो है न कुछ समय बिताना है अच्छा समय क्वालिटी टाइम बिता के ना मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है ठीक है कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे जॉब करते होंगे और सोच रहे होंगे कि अब मुझे जॉब नहीं करना है मुझे और कुछ एक्स्ट्रा करना है जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन हाँ जॉब तो करना पड़ता है क्योंकि पैसे चाहिए ठीक है तो वो आपका जॉब चला जाता है मंडे टू फ्राइडे लेकिन आप सोचते हो ना सैटरडे और संडे को मुझे कुछ आइडिया मिले जिसके वजह से मैं थोड़ा चेंज हो पाऊँ मैं थोड़ा सा इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव बन पाऊँ तो इसमें आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ लाइक कुछ सक्सेसफुल पीपल होते हैं जो कि अपने वीकेंड के ड्यूरिंग क्या करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ही ये इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो या फिर खुद को बहुत डिफरेंट बनाना चाहते हो कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरिंग लगे लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको जो आपके फेवरेट्स बुक है उसको पढ़ने चाहिए ठीक है बुक्स आप ज़रूर पढ़िए ये सक्सेसफुल या फिर जीनियस पीपल कह सकते हैं ठीक है उनकी निशानी होती है जो जीनियस होते हैं वो सक्सेसफुल ऑफ कोर्स हो ही जाएंगे ठीक है तो वही है एक सक्सेसफुल की निशानी उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो फैमिली से बहुत दूर होते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते तो फ्रेंड्स बनाइए फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए वीकेंड के टाइम पे लेकिन हाँ मंडे टू फ्राइडे अपना पूरा काम को दीजिए अपने ऊपर दीजिए लेकिन जब आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना चाहिए ऐसा हो सकता है आप सोचते हो कि मुझे मंडे टू फ्राइडे टू टाइम मिलता नहीं है तो ऐटलीस्ट इंसान को तीन से चार दिन वीक में ना एक्सरसाइज करना ही चाहिए तो आप कम से कम दो दिन से शुरू कीजिए सैटरडे और संडे से ठीक है ये चीज़ कहा जा रहा है और प्लीज़ आप लोग परस्यू कीजिए कुछ इंटरेस्ट जैसे कुछ नया करना सीखिए क्योंकि ये जो लाइफ होता है ना ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहोगे तो बहुत बड़ा है ठीक है और दुनिया में सोच के देखिए कि कितना कुछ है और आपने क्या किया है हो सकता है कि आपने सिर्फ पढ़ाई किया है सिर्फ जॉब है तो हो सकता है कि आपने बहुत कुछ देखा ही नहीं है और आपको देखना चाहिए था ठीक है हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुले अच्छा इफेक्ट पड़े इम्पैक्ट पड़े इसको देखने के बाद और आप अपने लाइफ में कुछ करना शुरू करो एक्स्ट्रा जो कि आपके सोल को सूट करे ठीक है आपकी सोल सूटिंग हो आपके सोल सेटिस्फैक्शन हो वो काम करना है ठीक है ना कि मेरे पसंद से ना कि उसके पसंद से ना कि इसके पसंद से आपका सोल जिससे बिल्कुल सेटिस्फाई होगा वो आपको करना ही चाहिए ऐसा हो सकता है कि बचपन के टाइम से आप चाहते हो कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है ऐसा सपना रहा होगा आपका लेकिन आपने कभी किया ही नहीं हो सकता है कि आपका सपना रहा होगा कि मुझे गिटार प्ले करना था किया ही नहीं सिर्फ आप पढ़ाई में ही रह गए लेकिन करना चाहिए ठीक है इस पर ध्यान दीजिए ऐसा हो सकता है यूनिवर्स इसलिए बता रहे वैसे यहाँ पे ऐसा कभी मैसेज नहीं आता लेकिन यहाँ पे जब मैसेज आ रहा है तो ज़रूर कुछ देना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको है ना मेरे थ्रू तो ये चीज़ आप समझिएगा ज़रूर हो सकता है कि इसमें ही आपका बहुत ज़्यादा नेम फेम लिखा हो एंड देन यहाँ पे है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे अ चेंज इज़ कमिंग जिस तरीके से अगर आपका लाइफ चल रहा है अगर बुरा सिचुएशन चल रहा है यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसा अभी लाइफ चल रहा है वैसा नहीं चलेगा हमेशा एक जैसा लाइफ होता है क्या कभी नहीं होता है हमेशा चेंज होते रहता है कभी दुख आता है कभी सुख आता है बिल्कुल एग्जैक्टली अ चेंज इज़ कमिंग आपकी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस होगा जैसे कि कैटरपिलर आपने देखा होगा तो कैटरपिलर क्या हुआ अभी तो वो बच्चा है थोड़ा सा और ग्रोथ होगा वो बटरफ्लाई बन जाएगा तो वही रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अभी आपका जो सिचुएशन है वो एक कैटरपिलर की तरह है और जैसे कि चेंज होगा आपके लाइफ में तो वो क्या हो जाएगा वो एक बटरफ्लाई हो जाएगा और उसी तरीके से आप भी खुल के अपनी ज़िंदगी को आगे आने वाले टाइम में जीने वाले हो उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स देखिए यूनिवर्स एरो का काट दिए है मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं आपको यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ मतलब कुछ भी अगर आप अपने लाइफ में कर रहे हो स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप एक बिल्कुल राइट बात पे हो जैसे कि मन में कन्फ्यूजन होगा आपका कि जो मैं काम कर रही हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ क्या मुझे ये सक्सेस दिलाएगा या नहीं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्या मुझे इससे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा आप राइट पाथ पर हो ठीक है बिल्कुल राइट पाथ पर हो घबराने की जरूरत नहीं है बस करते जाइए और मन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए ठीक है विल पावर में वर्क कीजिए आप इसी में सक्सेस हो गए जो अभी आप सोच रहे हो ठीक है चाहे एम करना चाहते हो चाहे लॉयर बनना चाहते हो या एक्टिंग मॉडल ये सब चीज़ें करना चाहते हो आप डेफिनेटली कीजिए आप उसी में आगे बढ़ोगे ठीक है तो हमेशा जो है ना आपको कुछ नया सीखते रहना है वीकेंड के टाइम पे और आपको नेचर के साथ इंटरेक्ट भी करना है और हो सके तो अच्छा खाना है और जल्दी सोना है क्योंकि हो सकता है कि मंडे से फ्राइडे आप बिज़ी रहते हो लेकिन बाकी जो दो समय मिला है दो दिन का उसमें अच्छे से सो भी लीजिए ठीक है थीके? और हो सके तो कुछ लोगों से डिसकनेक्ट हो जाइए और हो सके तो अकेले भी टाइम स्पेंड कीजिए ये चीज़ कहा जा रहा है और राइट और क्या इन्फॉर्मेशन है ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी है और ये ऐसा लुक करते हैं ठीक है इसलिए मैंने आपको बता दिया है उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन ठीक है जो मैंने बोला बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैसेज आया है ठीक है क्योंकि देखिए दुनिया में है ठीक है दुनिया में हो लोग आपके दुश्मन बनते रहेंगे अच्छे लोग भी आएंगे दुश्मन भी बनेंगे तो ये चीज़ चलता रहेगा ये चीज़ है कुछ लोग हेटरेट फैलाने की कोशिश करेंगे कुछ लोग हेट फील करेंगे क्योंकि आप उससे ज़्यादा मेच्योर uh, हो टैलेंटेड हो तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है बस आप बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए और अपने लाइफ में वैसे बे भी, बेकार या फालतू लोगों को आने ना दें ठीक है और राइट और क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं लेकिन हाँ मस्ती ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइफ अगर बीत जाएगी बहुत टाइम बीत जाएगा फिर उसके बाद आप सोचोगे कि वाओ मा, ओ माय गॉड उस टाइम तो मुझे अच्छे से समय बिताना चाहिए था वर्क करना चाहिए था और मैंने तो कुछ किया नहीं ठीक है फिर लेकिन हाँ वाओ भी आप बोलोगे बोले कि नहीं अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है अभी भी मैं मस्ती कर सकता हूँ अभी भी मैं मस्ती कर सकती हूँ ठीक है इसलिए मेरे मुँह से भी जस्ट पहले वाव निकला तो यूनिवर्स आपको इस तरीके से एक गाइड भी, देन, भी देना गाइडेंस भी देना चाह रहे हैं कि चाहे अभी आपका कुछ भी एज हो गया हो आपका जो समय है वो लेट नहीं हुआ है ठीक है आप कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त शुरू कर सकते हो ठीक है ये चीज़ कहना चाहते हैं उसके बाद है यहाँ पे बी केयरफुल डोंट टेक रिस्क ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से वो ऐसा कहना चाहते हैं कि चाहे लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो आपको रिस्क नहीं लेना है आगे आने वाले टाइम में कुछ दिनों तक कम से कम दो तीन महीने ठीक है ये चीज़ है और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है एंड हो सकता है कि जुलाई के लिए इन्फॉर्मेशन हो ये जो आगे आने वाला टाइम है जुलाई उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस जुलाई मंथ में ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा ठीक है और राइट और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है टूलिप टुलिप का कार्ड है मतलब कि ग्रेट पैशन का कार्ड है तो आप एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन बन रहे हो ठीक है अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो उसके बाद यहाँ पे जग का है मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना आप आगे आने वाले टाइम में बहुत लाइट बहुत हल्का फील करने वाले हो और बहुत ज़्यादा केयर फ्री टाइम मिल रहा है हो सकता है ऐसा समय आपको मिलने वाला है अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल था तो हो सकता है कि आपको छुट्टी मिलने वाली है ठीक है हो सकता है कि आपको किसी जॉब से छुट्टी मिले आप इन्जॉय करने वाले हो फैमिली के साथ ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है ठीक है दो चार एफॉर्मेशन भी आप कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो आई एम फियरलेस आई एम एनफ ठीक है आई एम स्ट्रांग आई एम कॉन्फिडेंट आई एम मोटिवेटेड आई एम डेडिकेटेड ठीक है देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप लोग ठीक है प्लीज फॉर गिव मे एकट मैसेज फॉर मेड यूअर्स क्या इन्फॉर्मेशन है लिए ओके लीव द पास्ट बिहाइंड तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं मैंने आपको बहुत बार समझाया है आप पास्ट को भूल जाइए पीछे और लाइफ में आगे बढ़िए क्योंकि कोई पीछे के लोग तो नहीं आ रहे जो आपका अपना है वो आएगा ही आएगा आपको उतना फर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर उतना रोना नहीं पड़ेगा वो आ जाएगा ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन रुकेगा तीन चार दिन अगर कोई आपका अपना है ना जो आपसे सच में प्यार करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक या दो दिन दूर रह सकता है और जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं वो तो शायद एक घंटे भी दूर ना रहे ठीक है ये भी होता है तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं मत बहाइए ठीक है प्लीज़ मत बहाइए यहाँ पे बस आपको ये कहा जा रहा है आगे बढ़ते चले जाइए बहुत ब्यूटीफुल है आपकी लाइफ और बहुत कुछ आपको मिलेगा ठीक है पास्ट में कुछ नहीं है उसके बाद है गो फॉर इट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को प्रपोज करना चाहते हो या किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर ऐसा हो सकता है कि मन में कोई इच्छा आपकी जागी है कुछ काम को करने की कोई स्किल हम नया चीज़ें सीखना चाहते हो नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हो हो सकता है आपका मन हो अब मैं स्विमिंग सीखूंगी या मुझे क्रिकेट करना है ये वो ऐसा आपका मन में कुछ चल रहा है ना तो घबराइए मत कोई कुछ नहीं बोल रहा है आप कीजिए ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में बोलेंगे क्या ये कर रही हो या फिर क्या ये कर रहे हो ये सब बेकार है इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं आँख बंद करके आपकी जो इच्छा है वो कीजिए क्योंकि अगर आप उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सक्सेस मिल जाएगा इसमें डेफिनेटली कीजिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही जो होता है ना जो आपका विल पावर होता है वही आपको आगे लेकर जाता है ठीक है ये चीज़ है और आपने इस दुनिया में बहुत सारे से लोगों का एग्जाम्पल देखा होगा जो अपने जो इनका ड्रीम होता है उसको लेकर अगर कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो उसको कर ही लेते हैं चाहे कितने भी टफ पाथ क्यों ना आए ठीक है ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आपने भी देखा है ठीक है उसके बाद है नो योर वर्थ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो ना जो कि आपके सामने वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है ठीक है और आप उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो और इसलिए कहा जा रहा है कि अपने वॉत को जानिए कि आप एक बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन हो आपको दुनिया का बहुत सारा खुशी मिलेगा और जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो तो बेकार सा है उसको भूल जाइए ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि मुझे मारुति सुजुकी चाहिए लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए रोल्स रॉयस प्रिपेयर करके रखा है तैयार करके रखा है कि आपको रोल्स रॉयस मिलेगा आगे आने वाले टाइम में तो फिर आप क्यों सुजुकी के पीछे भाग रहे हो आपको जो है रोल्स रॉयस के लिए सोचना चाहिए ठीक है बस यही अंतर है यही इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आप मतलब डिफरेंस है इस तरह की चीज़ें आपको मिलने वाली है ठीक है और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं प्लीज़ कॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज दूसरे कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ कॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियोज़ को आप लोग लाइक जरूर कीजिए एनर्जी क्लेम करने के लिए ओके okay, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज का फॉर्मेशन है आपका अनकंडीशनल लव इज़ माइंड टुडे एंड ऑलवेज अगर आप चाहते हो ना कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले और एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि अनकंडीशनल लव करे ठीक है जो कि मेरा हमेशा साथ निभाए हमेशा हमेशा ही तो ये चीज़ लिखी है अनकंडीशनल लव इज़ माइन टूडे आज भी है और हमेशा होगा ठीक है आई फील गुड आई एम हैप्पी आई एम ग्रेटफुल ऐसा होने वाला है आपका आगे आने वाला टाइम भी मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनकंडीशनल लव देगा और हमेशा देगा हमेशा वो साथ होगा ठीक है उसके वजह से हो सकता है या फिर आप अपने कर्म के वजह से हो सकता है कि हमेशा बहुत अच्छा फील करोगे हैप्पी फील करोगे और ग्रेटफुल फील करोगे ठीक है तो ये अफर्मेशन ज़रूर कीजिएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा आपको नर्चर भी करेगा पैम्पर भी करेगा ये भी एनर्जी है और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट आई एम एट पीस यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अलाइन होने वाले हो डिवाइन ने आपके लिए जो प्लान किया है वो आगे आने वाले आपको 41 डेज़ के अंदर मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और आपको एंसेस्टर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ठीक है वो आपको गाइड करना चाहते हैं वो आपको चाहते हैं कि आप उनको याद करो उन प्रेयर में अपने प्रेयर में याद कीजिए ठीक है ये चीज़ है और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है उनके नाम का दिया आप ज़रूर निकालिए ठीक है ठीके? तुलसी का पेड़ होता है या फिर दिया हो सकता है या कैंडल आप जो भी यूज़ करते हैं बस मन से करना है या फिर प्रार्थना में याद कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एनर्जेटिक पैशन फॉर लाइफ ये भी आप लिख सकते हो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड टू बी प्रोडक्टिव तो ये होगा ना कि आपको किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप जो है खुद के टीचर बनते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे कोई वीडियो देखकर या फिर कोई मतलब वीडियोज़ वीडियो वगैरह आते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं है ना तो आपको वो भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप नॉर्मली जो है अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो आप के पास खुद इतना सॉलिड रीज़न होगा ना कि आप खुद ही जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए तो ये चीज़ है आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सुरक्षित भी हो सेफ भी हो और बहुत सारे आपके लाइफ में नए रिसोर्सेज खुल रहे हैं पैसे के ठीक है और आप अपने लाइफ को वकेशन पे भी बिता रहे हो मस्ती कर रहे हो ये चीज़ है मैं प्रे ज़रूर करूँगी कि आपके सारे अच्छे पूरे हो जाएं जो भी चीज़ें आप चाहते हो जो भी आपके सपने हैं वो ज़रूर पूरा हो ठीक है सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेम्बर बन जाइए अपना सपोर्ट दिखाइए क्योंकि मैं बहुत डिटेल आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ बहुत एफ़र्ट लगता है सो so, आपको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए थोड़ा सा अपना फर्ज़ निभाना चाहिए ठीक है और फैमिली मेबर बन जाना चाहिए right. और राइट और पर्सनल डे के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जी मेल और इस्ट आई के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है ओके okay, सो so चलते हैं तब तक बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी हेलो पाइल टू हो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं तो मुझे तो यहाँ पे क्लियरली इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डीप हीलिंग होने वाली है आपके आगे आने वाले टाइम में ठीक है वैसे चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल डिंक के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे चेम्बर और इन साइडी के थ्रू किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल डिंक ले सकते हो सो प्लीज़ फॉन्ट गिव मी एक्ूरेट मैसेज फॉर माय डीय व्यूअर्स क्या है इनके लिए ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन क्या होने वाला है इनके लाइफ में चेंजेस और इनका क्या है करेंट सिचुएशन कैसे इनको बाहर निकलना चाहिए अपने करेंट सिचुएशन से सबसे पहले दिस वन स्टैंड योर ग्राउंड दैट्स ग्रेट हर चक्र ओके okay. hmm. ओके okay, ओके okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हो आप परेशानी इसमें कोई शक नहीं है परेशानी तो इतनी दिखाई दे रही है कि जैसे कि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम अपने आप को पूरा जकड़ चुके हो जैसे एक जंजीर होती है ना किसी को बांध दी जाती है जंजीरों से बिल्कुल वो चीज़ दिखाई दे रहा है और इस जंजीर को तोड़कर आप एकदम निकल जाना चाहते हो ठीक है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो अभी के टाइम में आप बुरे लोगों से बचना चाह रहे हो लोगों के टॉन्ट से लोगों के ब्लेम से ठीक है हो सकता है कि घर में ही आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है आपको परेशान किया जा रहा है मतलब हो सकता है आपका ऐसा दिल कर रहा होगा सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ना यहाँ से कहीं भाग जाऊँ ये वाली फीलिंग आपके अंदर हो सकता है चल रही हो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए है ना लेकिन हो सकता है मन में ये हो सकता है कुछ लोगों के कभी ना कभी ख्याल आता ही होगा आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल पॉइंटलेस है यूज़लेस है कुछ भी नहीं है मीनिंगफुल है ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे जो है ना ये आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में रोल प्ले कर रहा है ठीक है जैसे कहा जाता है ना कि दिमाग की वजह से ही हर एक चीज़ काम करता है हमारे बॉडी पार्ट्स वगैरह उसी तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा अभी वर्क चल रहा है और इमोशंस पे वर्क भी चल रहा है ना तो बहुत निगेटिव वे में चल रहा है और आपके ही सोच के वजह से चल रहा है जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही हो रहा है देखिए आपका दिल अभी ऐसा कर रहा होगा कि कहीं भाग जाऊँ ठीक है सब कुछ छोड़कर या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है दर्द मिला है मतलब ऐसा सोच रहे हो कि लाइफ है ही क्या इसमें कुछ है ही नहीं ये चीज़ चल रहा होगा आपकी लाइफ में ठीक है तो डिस्ट्रप्शन का कारण ऐसे नहीं आया है ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रप्शन कार्ड इसलिए आया है क्योंकि सच में आपके साथ कोई बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है प्रताड़ित कर रहा है या फिर सच में कुछ बुरा हुआ है ठीक है आप एकांत में रहना चाहते हो अकेले रहना चाहते हो और यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि यस ये समझदारी आपके अंदर आ चुकी है और आपको थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में रिलैक्सेशन आने वाला है और वो आएगा फोर डेज के अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा घबराने की ज़रूरत नहीं है और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि आप ना फ्रस्ट्रेट हो गए हो एग्ज़ाम वगैरह दे देकर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर करके अब आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा तो देखिए कभी कभी लाइफ में ऐसी बातें होती है ना कि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना कभी कभी वो हमारी किस्मत में लिखी नहीं होती वैसे आप किस्मत को चेंज कर सकते हो बदल सकते हो कोई बात नहीं कर सकते हो लेकिन कितना समय लगाओगे एक ही चीज़ पर है ना तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ा दो तीन ऑप्शन रखिए एक्स्ट्रा ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट जॉब है तो लाइफ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में ठीक है लोग करके आगे बढ़ रहे हैं नई फेम कमा रहे हैं ठीक है ठीके? ये चीज़ है तो यहाँ पे ये आपको समझना होगा और यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी पूरी तरह दिल से अच्छा है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है मुझे ये ऑफिसर बनना है या फिर मुझे ये पोस्ट लेना है तो अगर दिल से अच्छा है ना तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है आपको ठीक है यहाँ पे रोक सकते रोक सकता है एक ही जन है वो खुद आप ही हो ठीक है और वो है उसमें भी आपकी निगेटिविटी निगेटिव थाट्स ही आपको रोक सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है ठीक है ये यह चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा ठीक है और राइट तो यहाँ पर यह बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपका नॉलेज है और आपका टैलेंट है तो दुनिया को कोई भी इंसान नहीं रोक सकता आपको ठीक है और ये तो बहुत छोटी सी बात है जॉब लेना जॉब आपकी फिक्स है वो आपको मिलेगी और ऐसा हो सकता है कि इसमें सिक्सटीन मंथ भी लग जाए और कुछ लोगों के लिए सेवन मंथ लग सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फोर मंथ जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं बैंक में उनका तो फोर मंथ के अंदर जॉब लगेगा ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके साथ साथ हार्ट अवेकनिंग की भी कार्ड है तो इस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले फोर वीक के अंदर मतलब एक महीने के अंदर कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून सा फील कराने वाला है ठीक है अच्छा कंफर्टेबल फील कराने वाला है तो ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया आपके लिए यह ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बड़े चेंजेस हो रहे हैं और वो सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं मतलब बड़े लेवल पे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है ना तो डीप हीलिंग हो रही है मतलब अगर कोई बीमारी है बीमारी कहने का मतलब है कि कोई बीमारी होती है ना तो डॉक्टर क्या चाहते हैं उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं कि वो कभी दोबारा ना हो तो एक्जैक्टली exactly जो आपके मन में निगेटिविटी चल रही है ना वो यूनिवर्स उसको जड़ को पकड़ रहा है उस जड़ को निकाल रहे हैं उस निगेटिविटी को और निगेटिविटी और उसके जड़ को फेंक दे रहे हैं ठीक है थीके? उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये चीज़ है और देखते हैं क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके करेंट सिचुएशन के लिए और आपको क्या मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी काफ़ी विस्तार से काफ़ी आराम से बहुत सारे कार्ड्स है ठीक है और राइट देख लेते हैं दिस वन ओ ओबाई कार्ड्स स्पिरिचुअल यूनियन है सेक्रीफाइस है अब आप एक बात सोच के देखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान में हो क्योंकि है परेशानियाँ चल रही हैं सेक्रीफाइस चल रहा है और शायद उस दौरान आपको आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपको आपके सोलमेट मिल जाए तो कितना आराम सा हो जाएगा ज़िंदगी ठीक है चैलेंजेस भी बहुत एक्साइटमेंट भरे लगने लगेंगे सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा तो सबसे पहली बात मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर कर सकता है ये मैसेज उनके लिए है जो सिंगल देख रहे हैं अगर आप सिंगल हो और आप बहुत परेशान हो अपने लाइफ से तो कोई आपको बहुत ज़्यादा सुकून देने के लिए ठीक है आपको सपोर्ट करने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है और दूसरी बात जो मिंगल है जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मुझे तो उनके लिए तो बहुत खतरनाक मैसेज दिखाई दे रहा है एंड खतरनाक ये कह सकते हैं कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है थीके? और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए ठीक हो जाए या फिर वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप दोनों का रिश्ता सुधर नहीं रहा है तो यहाँ पे आपके लिए भी अच्छा इंफॉर्मेशन है अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि आगे आने वाले दो वीक के अंदर आप दोनों की यूनियन हो जाएगी आप दोनों का रिकॉन्सिड्रेशन हो जाएगा देखिए कभी कभी ऐसा होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत टफ होता है एंड बहुत रेयर होता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए लेकिन हाँ ये चीज़ तो क्लियर है कि आप इनके साथ होते हो झगड़ा भी होता है आप इनके बिना रहते हो तो बिल्कुल अधूरा सा फील करते हो ठीक है ये तो बिल्कुल सॉलिड वाला रीज़न है जो कि आपको बताता है कन्फर्मेशन देता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है ठीक है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि तकलीफ़ जो है आपको आपके पार्टनर से ही मिली है ठीक है और वो तकलीफ़ भी आपके पार्टनर ही बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं और आपको फील होने वाला है आपको पता चलने वाला है कि ये जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ या फिर जिसके साथ मैं रिलेशन में हूँ वो मेरे सोलमेट है ठीक है और ट्विन फ्लेम है ठीक है सोलमेट तो उनको मिलने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है जो सिंगल है और जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं जिनका बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है इमोशनली आप वीक पड़ जाते हो आपको ऐसा लगता है कि अकेले ही मैं इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस कर रही हूँ अकेले ही मैं कमिटमेंट दे रही हूँ उसे तो कोई मतलब ही नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं तो ये सारे शक जो है या डाउट है ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है और आप दोनों के बीच का ये जो सेक्रीफाइस है वो ख़त्म होगा इमोशनल विड्रॉवल है वो भी ख़त्म होंगे और आप दोनों का यूनियन हो रहा है ठीक है तो जिसके वजह से आप परेशान थे उसके वजह से आपकी लाइफ में खुशी भी आ रही है आप हील भी होते हुए दिखाई दे रहे हो और जो सिंगल है उनके लिए क्लियर मैसेज है कि आपके लाइफ में आपको सोलमेट मिलने वाले हैं ठीक है ठीके? या फिर अगर आपका हाल फिलहाल में डिवोर्स हुआ है आप एक नए पार्टनर के सर्च में हो तो हो सकता है कि आपको सोलमेट मिलेंगे ठीक है न्यू पर्सन मिलेंगे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ कॉट गिव मे एकट मैसेज वाह दैट्स ग्रेट प्रॉस्पेरिटी बिगेंस देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन है मटेरियल स्पिरिचुअल एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप अलायंस पावर बहुत डिफरेंट मैसेज आने लगा है ना तो काफ़ी डिफरेंट मैसेज आया है एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बताना चाह रहे हैं कि मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है अबंडेंस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है आपके लाइफ में वो भी आगे आने वाले तीन छः या नाइन मंथ्स के अंदर देखिए इतने सारे पैसे होंगे कि आप जो है देखते रह जाओगे काउंट करते रह जाओगे ठीक है अनकाउंटेबल आपके लाइफ में पैसे आएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिलेगा आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो जैसे कि एक फार्मर क्या होता है फार्मर बहुत मेहनत करता है तब उन्हें बहुत सारे फसल मिलते हैं सारी चीज़ें तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है या फिर आगे आने वाले टाइम में अगर मेहनत करते हो कोई बिजनेस करते हो कुछ प्रोडक्ट वग़ैरह लॉन्च करते हो जो भी चीज़ें आप करते हो पार्टनरशिप भी अगर आप कर रहे हो तो एक सही पर्सन के साथ कर रहे हो जिसके वजह से आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है ठीक है ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है और मुझे बार बार यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के साथ की वजह से किसी एक ऐसे पर्सन की वजह से जो आपका हाथ थामा हुआ है ठीक है वो आपके साथ लव लाइफ भी बसाने वाला है ज़िंदगी भी बसाने वाला है और वो आपके साथ अपना प्रोफेशनल लाइफ भी शुरू कर रहा है ये आपके बॉस भी हो सकते हैं ये चांसेस है ऐसा हो सकता है कि पहले वो आपके साथ काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करे पहले आप दोनों सक्सेसफुल हो जाओ ठीक है और हो सकता है सक्सेस के बाद ये पर्सन आपको बस कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही वक्त बाद वो आपको प्रपोज भी कर दे तो हर तरीके से मुझे आपके लाइफ में विक्ट्री एंड सक्सेस दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आगे आने वाले सिक्स मंथ के अंदर सबसे पहले आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होगा ठीक है और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक नए पर्सन मिलेंगे ठीक है वो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके रहेंगे लेकिन हाँ पहले उनके साथ आपकी अच्छी खासी बाउंडिंग बनेगी और आफ्टर सिक्स मंथ वो आपको प्रपोज करेंगे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है ठीक है तो इतना आप जान लीजिए कि किसी के साथ के वजह से किसी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट के वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उसके साथ साथ कुछ लोग हमेशा से चाहते थे कि मैं हमेशा एक पावर एंड पोजिशन वाले आ, सिट पर बैठना चाहता हूँ मुझे वैसा चेयर चाहिए जिसपे पावर हो पोजिशन हो वही चीज़ आपको मिल रहा है आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा जॉब आपके हाथ लगने वाला है कोई ऐसा एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा लाइक यूपीएससी हो सकता है हो सकता है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो हो सकता है एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो डेफिनेटली आपको घर मिलेगा गाड़ी मिलेंगे दौलत मिलेंगी ठीक है और ये सारी चीज़ें आसानी कि बैठे बिठाए मिल रही हैं जो आपकी मेहनत की वजह से ही मिल रही है तो ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले सिक्स मंथ में आपके लाइफ में रियलिस्टिक मतलब कि घर दौलत जो भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी साथ साथ एक पार्टनर का साथ मिलेगा मतलब एक ऐसे पार्टनर जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे प्यार करेंगे सपोर्टिव होंगे आप दोनों के बीच में इक्वालिटी होगी आप पढ़े लिखे हो वो भी पढ़े लिखे होंगे आपके ड्रीम्स हैं विजन है गोल है उनके भी होंगे और वो आपके साथ पार्टनरशिप भी करेंगे बिजनेस भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ साथ आपकी खुद की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही है ठीक है ये चीज़ है सो विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है बहुत लकी हो कि इतना ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है देख सकते हो तो आप अपने जीत के जश्न को मना रहे हो सेलिब्रेट कर रहे हो और स्पेशली आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं हो सकता है कि शायद फैमिली वाले भी अभी साथ नहीं हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन आपके पार्टनर होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में और वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ में सपोर्ट करेंगे ठीक है ये चीज़ है ट्रायम्फ का कार्ड है दैट्स ग्रेट यहाँ पे जीत तो आपको मिलके ही रहने वाली है और जो आप जिस चीज़ में अभी मेहनत कर रहे हो वर्क कर रहे हो उसी में आपको सक्सेस मिलेगा एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड कुछ लोग तो ऐसा हो सकता है कि कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं एंड ये चांसेस है कि शिफ्ट हो जाओगे एंड हो सकता है कि आप नया घर खरीदने वाले हो किसी न्यू प्लेस पर ठीक है शादी करना चाहते हो मैरिज प्रपोजल आपको मिल रहा है हो सकता है चार महीने के अंदर आपकी शादी हो जाए ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए देखते हैं कुछ दूसरे कर्ट्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए प्लीज कॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स क्या है इन्फॉर्मेशन इनके लिए क्या इनको मिलकर रहेगा और किन सारी चीजों से इनसे इन्हें बच के रहने की जरूरत है देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड फिर से आ चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ब्यूटीफुल साइकिक गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं एंड यहाँ पे किंग की एनर्जी है तो अगर आप मेल देख रहे हो या फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अथॉरिटी में आ रहे हो पावर मिल रहा है आपको लॉयर बनना चाहते हो जज बनना चाहते हो ये पॉसिबल है ठीक है इस जन्म में आप डेफिनेटली आप बन के रहोगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल Uh, जो कनेक्शन होता है वो फील कर रहा है ठीक है सेक्शुअल एनर्जी सा फ़ील कर रहा है या फिर हो सकता है आप किसी के लिए ऐसा फील करने वाले हो ठीक है ये चीज़ है और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो कोई रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो ठीक है बहुत ज़्यादा करेजियस हो रहे हो क्योंकि हो सकता है कि आपको वो रिस्क लेना ही पड़ेगा हो सकता है कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा ये चीज़ हो रहा है उसके बाद यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आ रही हैं ये चांसेस हैं ठीक है, है right, और राइट और क्या इंफॉर्मेशन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफिस में मिले हो सकता है कि कोई आपका सीनियर है और वो उस पोस्ट से जा रहा है रिज़ाइन करके और हो सकता है वो पोस्ट आपको मिल जाए प्रमोशन हो जाएगा आपको आपका और साथ साथ आपको जो है नई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी प्रमोशन के साथ साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी ये चीज़ है और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं ओके थॉट्स वर्ड और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके अपने लाइफ में उतारने वाले हो मतलब पहले क्या था कि आप बिना सोचे समझे काम करते थे या किसी को भी ऐसे एंट्री देते थे लेकिन अब अपने टाइम अपने लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो एनालाइज कर रहे हो सोच रहे हो और आगे बढ़ रहे हो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन भी थे बहुत कुछ भी बोल देते दे, थे बिना सोचे समझे तो अब जो है बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा मुझे फोकस्ड भी दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में उसके साथ साथ यहाँ पे है आपके लिए कि बहुत सारे और भी गोल बनाइए और भी विजन बनाइए क्योंकि यूनिवर्स तो आपको और भी बहुत कुछ देना चाहता है ऐसा हो सकता है कि अभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे बस छोटे से घर चाहिए या फिर एक अपार्टमेंट चाहिए मुझे इसमें रहना है दैट्स इट पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है ना कि आप अपार्टमेंट सोच रहे हो यूनिवर्स ने तो आपके लिए पैलेस बना के रखा है तैयार करके रखा है ठीक है हो सकता है वो फॉरेन में हो तो इस तरह का इमेजिन कीजिए इस तरह का विजन बनाइए विज़न बोर्ड बना लीजिए घर में ऐसा तो नहीं है कि आपको पैलेस नहीं पसंद होगा ठीक है आपको पैलेस पसंद होगा रॉयल लाइफ पसंद होगा तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो बड़ा सपना है जो बड़ा गोल है उसको एक बड़ा सा विजन बोर्ड बनाइए घर में ठीक है अपने रूम में और उसमें ना पिक्चर्स वगैरह चिपकाना शुरू कीजिए जैसे कि आपका फेवरेट कार हो गया ठीक है आपका फेवरेट घर हो गया जैसे घर आप चाहते हो ठीक है और जैसे जैसे एरिया में रहना चाहते हो वैसे भी बना सकते हो जैसे आपको माउंटेनियस एरिया बहुत पसंद है आपको वैसे एरिया बहुत पसंद है जहाँ पे समुन्द्री इलाका हो ठीक है जैसे चीज़ें आपको पसंद है वैसे जो है फ़ोटोज़ लगाइए ये चीज़ करना है जैसे पर्सन आपको बनना है वैसे पर्सन को आप लगा सकते हो ठीक है जैसे कि आपको एक फेमस एक्टर बनना है एक्ट्रेस बनना है मॉडल बनना है फ़ोटो उनका लगा लीजिए ठीक है अगर आपको बहुत फेमस मॉडल बनना है जी जी हदीत के लगाइए खेणल छेनर के लगाइए कायली छेनर के लगाइए तो जैसे आप बनना चाहते हो ठीक है उनको थोड़ा फॉलो कर सकते हो और उनके तरह के पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हो ठीक है आप फेमस सिंगर बनना चाहते हो तो आप लता मंगेशकर पिक्चर लगा सकते हो ठीक है श्रेया घोषाल के लगा सकते हो जो भी आपके फेवरेट है उस तरीके के उसके बाद इसी तरीके से आपको अपना विज़न बोर्ड तैयार करना है ठीक है ये चीज़ है और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए विज़न बोर्ड बनाइए ये बहुत तेज़ी से वर्क करता है ठीक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन है रिस्क मैंने आपको बताया ना जो इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया वही इन्फॉर्मेशन फिर से आया है घूम फिर के तो यूनिवर्स ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है कोई बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है मतलब बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं क्योंकि कुछ बुरा होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा सीखने वाले हो नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो और आपको बिल्कुल भी कंप्लेन वगैरह करना नहीं चाहिए ठीक है आपका लाइफ तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है बस सोच चेंज करने की जरूरत है और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है चलिए और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं यहाँ पर तो कार्ड्स काफ़ी सारे हैं आपके लिए सो प्लीज़ गॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डी यू व्यूवर्स क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए ओके वाओ दैट्स ग्रेट यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके अंदर गुस्सा था एंगर था झगड़ा था किसी के साथ वो सब कुछ सॉफ्ट हो रहा है ठीक है आपके अंदर जो एंगर है वो खुशियों में बदल रहा है ठीक है और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि झगड़ा बहुत होता था अब झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे वो भी सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं तो आपका दिल जो है ना वो हमेशा से सॉफ्ट रहा है आप बाई बर्थ सॉफ्ट ही पर्सन हो लेकिन सिचुएशन ने आपको हार्ड बनाया ठीक है आप माउंटेन की तरह स्ट्रांग रहना सीख गए लेकिन अब जो है आप रिवर की तरह भी होते हुए दिखाई दे रहे हो सॉफ्ट ठीक है बिल्कुल बहते हुए दिखाई दे रहे हो स्मूथली तो इस तरीके से आपका लाइफ भी हो रहा है और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं प्लीज फॉट मी एक्टेट मैसेज मैसेंजर मुझे तो यहाँ पे आपका सोल पर्पज दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि आप एक मैसेंजर हो ठीक है और ये मैसेज क्या है मतलब दूसरों की लाइफ में आप खुशियाँ फैलाने के लिए आए हो ये आपका सोल पर्पस हो सकता है दूसरों को दूसरे की लाइफ को बैलेंस करने के लिए हारमोनी देने के लिए आए हो लेकिन ये आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में तो खुद हारमोनी नहीं है बैलेंस नहीं है तो ये कब होगा तो यही कहा जा रहा है कि आपका जब आपका सोल पर्पस आप अपने आप को उस चीज़ में ढाले हुए नहीं हो जैसे कि आपको ख़ुद बैलेंस होना चाहिए आप खुद नहीं हो तो कैसे अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाओगे तो सोल पर्पस आपको पता चल गया है कि दूसरों को हील करना आपका एक सोल पर्पज है और ज़रूरी नहीं कि आपको एक हीलर ही बनना पड़ेगा या डॉक्टर ही बनना पड़ेगा नहीं एक हीलर ऐसा भी हो सकता है जो कि समय रहते हुए सामने वाले पर्सन जो दुखी है परेशान है उसको इमोशनली फिजिकली मेंटली या फाइनेंशली किसी भी तरीके से अगर सपोर्ट कर दे तो वो एक हीलर है ठीक है वो यूनिवर्स के नज़र में भी है और वो मेरे नज़र में भी वो एक हीलर है और मुझे पता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है हो सकता है कि आप फाइनेंशली तो उतना ज़्यादा अगर फ्री नहीं भी हो ना ठीक है तो आप जो है मदद करते हो समय देते हो ये भी एक बहुत बड़ी बात है उसके साथ साथ हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशली भी अपने घर वाले को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो मुझे पता है उसके बाद यहाँ पे है दिस वन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में स्लो डाउन होने की ज़रूरत है और जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं ठीक है सारे मैसेजेस यूनिवर्स के थ्रू ही आते हैं बस मैं आपको बताती हूँ उसके बाद है स्टार एंड सिस्टर मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपसे कोई बहुत बड़ा बात छिपाया है ठीक है और वो बहुत बड़ा जो सीक्रेट है जो हिडन सीक्रेट है ना वो आपके सामने आने वाला है उसका खुलासा हो रहा है उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पीछे आप इतना ज़्यादा भागे हो कि आपके अंदर जो विजडम था जो नॉलेज था जो टैलेंट था आपने सब खो दिया एंड वो सारी चीज़ें रीगेन हो रही है आपके लाइफ में ठीक है इसलिए अगर आप अच्छा कर्म करते हो अच्छे रहते हो ना तो किसी भी चीज़ का कभी लॉस नहीं होता है आपको वो चीज़ें मिल ही जाती हैं ठीक है थीके? ये चीज़ है यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी कार्मिक पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया बहुत प्यार किया बहुत समय दिया लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दिए तो आप सोच रहे होगे कि मेरा वो तो समय बर्बाद हो गया लेकिन ऐसा मत सोचिए वो समय बर्बाद नहीं हुआ है वो समय की वजह से आपको आगे आने वाले टाइम में रिवॉर्ड मिलेगा एक नए पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप बनेगी और वो आपको कहीं ज़्यादा प्यार करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है दिस वन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका लाइफ जो है वो एक कन्वास की तरह है ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ के एक आर्टिस्ट हो और आर्टिस्ट क्या होता है अगर उसके हाथ में फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट पेंटर है एक अगर उसके हाथ में पेंट ब्रश दे दिया जाए पेंट दे दिया जाए बोर्ड दे दिया जाए ठीक है और वो कुछ भी पेंट कर सकता है वो उसके हाथ में है तो एग्जैक्टली exactly आपको यहाँ पे आर्टिस्ट बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो और अपने डिस्टिनी को उसी तरीके से आर्ट कर सकते हो ठीक है और वो आर्ट कैसे करोगे मैनिफेस्ट करके तो डेस्टिनी ऐसा होता है ना कि आप अपने सोच की वजह से उसको चेंज कर सकते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो ठीक है ये चीज है और क्या इंफॉर्मेशन है तो आर्टिस्ट का मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको आर्टिस्ट क्यों बोला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप अपने लाइफ को अपने डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो ठीक है ये चीज़ है मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप लव ठीक है आपके फैमिली के साथ स्पेशली आपकी मॉम है उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन बनने वाला है वो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में फॉर एग्जांपल अगर मॉम नहीं है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली को कोई फीमेल है जो बड़ी बुजुर्ग है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि बचपन से वही आपको बहुत ज़्यादा संभाली है आपका केयर की है और आपकी मॉम है तो भी बहुत अच्छी बात है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है समय बिताने वाली हैं आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये भी चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन इंटर करने वाले हैं उनके साथ भी आपका बहुत ज़्यादा डीप लव डेवलप होने वाला है देखिए यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि जिसके साथ आप कनेक्शन में आने वाले हो रिलेशनशिप डेवलप होगा वो भी आपके एक कह सकते हैं पेरेंट्स की तरह ही होंगे मतलब वो आपको ना एक बच्चे ही की तरह ट्रीट करेंगे कभी आप कोई गलती करोगे ना तो बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह ही वो डांटेंगे फटकारेंगे ठीक है उनका नेचर ही एक मदर जैसा होगा चाहे वो मेल हो फीमेल हो जिसके लिए भी आप देख रहे हो नेचर होगा उनका केयरिंग सेंसिटिव जैसे एक माँ का होता है ठीक है बिल्कुल एक्स एक्जैक्टली वह सही एंड यहाँ पर स्टार बाथिंग है यहाँ पे एक रिचुअल आया है आपके लिए ठीक है वो रिचुअल आप कर सकते हो तो रिचुअल यहाँ पे ये यह बताया जा रहा है कि अगर आपको बहुत हेवी हेवी सा फील होता है अपने सिचुएशन के वजह से टेंशन फील होता है डिप्रेशन एनजाइटी सा तो यहाँ पर स्टार बाथिंग का कार्ड आया है ठीक है कभी भी आप रात होता है शाम होता है शाम में तो स्टार्स दिखाई नहीं देंगे उतने आपको लेकिन जब बहुत ज़्यादा रात हो जाता है तो कम से कम थोड़ा सा समय आप रात में अपने छत पर जा अपने रूफ पे जाके या फिर अपने बालकनी में ज़रूर बिताइए क्योंकि यूनिवर्स से सुंदर ठीक है नेचर से सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता एंड यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि स्टार बाथिंग लीजिए अभी के टाइम में ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए आपके हेल्थ के लिए भी और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको पीसफुल लगेगा और आप मानो या ना मानो मैं तो ज़रूर करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब जब मैं ऐसे क्यों आपको बोल रही हूँ कि यूनिवर्स से और नेचर से सुंदर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो लोग देखते हैं टाइम स्पेंड करते हैं नेचर में उन्हें पता होता है तो एक्जैक्टली exactly अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप अपना सामान वगैरह पैक कीजिए और कहीं वकेशन पे निकल जाइए ब्यूटीफुल प्लेस पे वो तो और भी आपके लिए अच्छा होगा लेकिन अगर आप बिजी रहते हो तो कोई बात नहीं स्टार बाथिंग ले लीजिए आप ठीक है ये चीज है और क्या है आपके लिए देख लेते हैं ओके वॉट आर योर गार्डन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में अभी आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना होगा बॉडी केयर करना होगा नरिशमेंट करना होगा और थोड़ा रेस्ट लेना होगा मुझे पता नहीं क्यों इन थ्री कार्ड्स के थ्रू ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में ठीक है तीनों कार्ड बार बार ऐसा बता रहे हैं ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका हेल्थ अच्छा रहे ठीक है ये चीज़ है और राइट अगर आप थोड़ा बहुत अपने प्रोफेशनल लाइफ में चूक जाते हो कोई बात नहीं आज ज़्यादा कमा लिए कल थोड़ा कम कमा लिए कोई बात नहीं चलता है लेकिन हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए मैं प्रे करूँगी आपके लिए कि आपका हेल्थ बिल्कुल अच्छा रहे ठीक है थेके? मैं हमेशा ही करती हूँ सोने से पहले और जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ही प्रे करती हूँ ठीक है आप मानो या ना मानो उसके बाद ही है यहाँ पर वन और राइट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है फटाफट अपने फैमिली से मिलने वाले हैं अगर आप बहुत लंबे समय से अगर दूर हो अपने फैमिली से तो आपको होम सिकनेस होने वाला है और आप अपने फैमिली से मिलने वाले हो या फिर आपकी फ़ैमिली आपकी तरफ आ रही है आपसे मिलने के लिए ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर ही हो आपके भाई बहन हो आपके जो पार्टनर होते हैं वो भी तो आपके फैमिली ही होते हैं हो सकता है कि आप उनसे भी मिलने वाले हो तो अगर आप किसी के साथ बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रहे हो तो ये चांसेस है कि वो आपसे मिलने को आने वाले हैं देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं प्लीज वॉट गिव मी एक्ूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स ओके दिस वन टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली मुझे तो ये लग ही रहा था कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो टूर करने वाले हो और ये बिल्कुल समय बनने वाला है ठीक है हो सकता है कि आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है लेकिन आपको कहीं से अपर्चुनिटी वगैरह मिल जाए कि चलो घूमने चलते हैं घूमने फिरने चलते हैं तो हो सकता है कि आप जाने वाले हो वकेशन पर बहुत ही जल्दी ठीक है हो सकता है कि किसी काम की वजह से ही जाना पड़े लेकिन जा रहे हो जरूर ओके okay, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी हेल्प के चक्कर में आप जा रहे होगी मुझे उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो हेल्प भी मिलेगा और साथ साथ तो मूड भी अच्छा होने वाला है उसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके लाइफ में चल रहा है वो तो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाले हैं आपके करंट पार्टनर के साथ रिकॉन्सलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डी व्यूअर्स अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मे बी ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में भी आप बहुत ज़्यादा क्या करो ट्रैवल करो एंड रिकॉन्सुलेशन का कार्ड है इट मीन्स कि आप रिकॉन्सुलेशन आपका हो रहा है ठीक है एंड देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट किसी अनजान पर्सन से आप मिलने वाले हो कोई स्ट्रेंजर जो है आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है अच्छा इफेक्ट डालने वाला है और उसके साथ साथ वो इनका जो आपके साथ उनका मीटिंग जो होगा ना वो आपकी लाइफ में हमेशा आपको याद रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो अपने प्रॉब्लम से और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है ब्रिज का कार्ड था वो और देख लेते हैं दिस वन सो सीक्रेट एनवायर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेंजर आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं ना वो आपको काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक कर रहे हैं ठीक है और आपके लिए वो स्ट्रेंजर है लेकिन हाँ वो आपकी सीक्रेट एनवायर भी है वो आपको पता चल जाएगा आगे आने वाले टाइम में ठीक है तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपको काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा है आपका इंतज़ार कर रहा है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है वही पर्सन जो है ना यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपकी सीक्रेट इन्वायर है और अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं होने वाला अब वो आपको हो सकता है कि आपके सामने आ रहे हैं आपसे बातें कर रहे हैं हो सकता है कि वो आपके घर के आस पड़ोस में रहते हों आपकी वर्क प्लेस पर हों तो हो सकता है अपनी दिल की फीलिंग आपको बोले और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए ओके दिस वन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने अच्छा कर्म किया है उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है स्पिरिचुअल लव का कार्ड आया है तो आप आगे आने वाले टाइम में अपने स्पिरिचुअल लव से मुलाकात करने वाले हो एंड देन और क्या इन्फॉर्मेशन है वो यू आर हाईली थाट ऑफ मैंने आपको बोला ना कि कोई ना कोई सीक्रेट अनबार है जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है यहाँ तो मैसेज जो है पहले मैं आपको बता दे रही हूँ फिर बाद में मैसेज आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि अभी आपके बारे में सोच रहा है हो सकता है अभी आप रीडिंग देख रहे हो अभी भी वो आपको सोच रहा हो ठीक है इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ना फैमिली मेम्बर बन जाइए आपको इस तरह से ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं वेल यहाँ पर यह भी इन्फॉर्मेशन है कि फैमिली विश इज़ कमिंग टू ऐसा अगर कोई फैमिली का विश है जैसे कि आपकी शादी हो जाए आप अपने लाइफ में सेटल हो जाओ या फैमिली का कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाए तो फैमिली के कोई अपने सपने जो है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस वजह से आप लोग सभी लोग खुश होने वाले हैं जैसे कि आपकी पूरी फैमिली खुश होगी आप भी खुश होगी रिलेटिव भी खुश हो सब कोई उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए इन्फॉर्मेशन ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है च्छा? मतलब जो मैं आपको मैसेज पहले बता रही हूँ उसके बाद कार्ड आ रहा है जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई लीगल केस चल रहा होगा तो एंड यहाँ पर इन्वॉलमेंट विद द लॉ का कार्ड भी आ चुका है मतलब कि अगर आपका कोई इन्वॉलमेंट है लॉ में आपके फैमिली का कोई घर प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर ऐसा कुछ चल रहा है ठीक है या फिर कोई डिवोर्स का चेंज चल रहा है कुछ भी तो वो ख़त्म होने वाला है फाइनली आप उस लीगल केस से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत अच्छी बात है काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है आपके लिए एंड देन है यहाँ पे न्यूज़ ऑफ बर्थ बिजनेस मतलब न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा हो सकता है कि बेबीज़ की आपको खिलकारियाँ सुनने को मिल सकती है अपने घर में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है उसके साथ साथ न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है होप आपको अच्छे से गाइडेंस मिला होगा अच्छे से समझ में आया होगा क्या होगा आगे आपके लाइफ में सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेम्बर बन जाइए अपना छोटा सा एफर्ट दिखाइए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा कर ये रीडिंग लेकर आती हूँ ठीक है और राइट सो पर्सनल लिंक चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी मेल और इंस्टा आई डी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है ठीक है सो चलते हैं तब तो तक तो वो तो वाइट टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी